कार्तिक गंगा स्नान के लिए आरकेपुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा महिलाओं की टोली भेजी गई हरिद्वार। इससे पहले गोवर्धन परिक्रमा के लिए महिलाओं की टोली भेजी गई थी, तो वहीं अब कार्तिक स्नान चल रहा है। तो कार्तिक स्नान को लेकर पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा 5 बसों के माध्यम से महिलाओं की टोली को भेजा गया हरिद्वार, जिसमें उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है, नाश्ते की व्यवस्था जो है वो करी गई पूर्व विधायक के द्वारा। पहले सभी लोगों ने बाबा गंगनाथ मंदिर में बाबा गंगनाथ के दर्शन किए, उसके बाद ये टोली जो है हरिद्वार के लिए निकली। इसमें आपको बता दें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और आरकेपुरम के विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा बस को झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं मुनिरका की, और मुनिरका के बाबा गंगनाथ मंदिर से ये बस जो है हरिद्वार के लिए निकली है। 5 बसों में महिलाओं की जो टोली है वो भेजी गई। सैकड़ों महिलाएं जो है इस बस में बैठकर गई हैं, और महिलाओं ने अनिल शर्मा का शुक्रिया अदा भी किया कि उनके जैसा नेता आज तक उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि धर्म के काम को लेकर जिस तरीके से अनिल शर्मा काम करते आ रहे हैं वो बेहद ही काबिले तारीफ है, और उसी की तारीफ करते हुए यहाँ पर महिलाएं दिख भी रही हैं। महिलाओं से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि अनिल शर्मा ने इससे पहले जो है गोवर्धन पूजा के मौके पर जो है महिलाओं को भेजा था, और वहीं आज गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जो है उनके माध्यम से भेजा जा रहा है। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर बस को झंडी दिखाकर जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बस को झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया, और महिलाओं के लिए किस तरीके के इंतजाम है ये खुद पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि किस तरीके से उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है वो करी गई है, क्योंकि वो खुद भी महिलाओं के साथ इसलिए गए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। आइए सुनवाते हैं कि क्या कहा उन्होंने इस पूरी बस यात्रा को लेकर। जी आज हम मुनिरका गांव से दिल्ली से यहाँ मुनिरका से हरिद्वार जा रहे हैं। हम सारी बहनें दिल की गहराइयों से हमारे पूर्व विधायक MLA अनिल शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी कुछ दिन पहले भाई साहब मोतीबाग गांव से गोवर्धन लेके गए थे। ये उनकी खासियत है कि वो बहुत ही मतलब इन चीजों का ध्यान देते हैं कि धार्मिक चीजों पे लेके जाया जाए, सबके दर्शन कराया जाए, ये उनकी अच्छाई है। और हमारे गांव से पहली बार कोई ऐसा है जो इतनी बड़ी संख्या में गांव की सारी माताओं बहनों को इकट्ठा करके पूरी पूरी मातृ शक्ति को दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। तो गंगा मैया की जय, बाबा गंगनाथ की जय, और भाई अनिल शर्मा जिंदाबाद। माता जी, कार्तिक मास में गंगा स्नान करना कितना बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और हम बस मेरा बेटा शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं, बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है। तो बहुत ही मतलब संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं सारी। अच्छा, ये यात्रा पे जो जा रही है, कोई चार्ज भी लिया गया है आप लोगों से? कोई चार्ज नहीं। वहाँ पे रहने और खाने का आप लोगों की व्यवस्था है? पूरी कर रखी है। क्या कहेंगे आप दिल्ली से हरिद्वार जा रही, क्या कहेंगे? बहुत खुश है, अनिल शर्मा जी ले जा रहे हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा गंगनाथ मंदिर से चल रही है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करना कितना धार्मिक ये मानते हैं? बहुत धार्मिक काम है उनका जो ले जा रहे हैं। तो इससे पहले भी कोई नेता कभी लेके गया आप लोगों? नहीं, कभी नहीं। यही हर बार जब भी जाते हैं यही ले जाते हैं। आज कितनी बसों को आप लोग दिल्ली से हरिद्वार के लिए भेज रहे हो? कितनी महिलाएं हैं? हमारे बाबा गंगनाथ जी महाराज की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से आज 5 बसें जा रही हैं, और तकरीबन इसके 5 बसों में 260 या 265 के करीब हमारी माताएं बहनें इसमें जा रही हैं। पूरी 5 की 5 बसें भरी हुई हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी मुनिरका गांव की माताओं बहनों का,
जो आज हमारे निवेदन पर गंगा जी नहाने जा रही हैं। और ये हमने तीरथ बीच बीच में हम करते रहते हैं, थोड़े दिन पहले भी हम हरिद्वार में बस ले गए थे, अभी थोड़े दिन पहले हम गोवर्धन भगवान के परिक्रमा में भी बस ले गए थे, आज उसी आगे क्रम में हम हरिद्वार बस ले जा रहे हैं। कार्तिक का पवित्र नहान का महीना चल रहा है और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने हर घर में कोशिश करी है कि जाके बातचीत करें, तो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारी बहनें सब जा रही हैं। क्या क्या व्यवस्था जो है आप लोगों ने? हमने व्यवस्था अभी सुबह गाड़ी के अंदर सबको हमने एक नाश्ते का बढ़िया अपनी तरफ से कोशिश करी है कि गाड़ी में बैठते ही सबको अभी हम एक अपना फ्रूटी वगैरह प्लस कचौरी वगैरह अपना नाश्ते का इंजाम है। वहाँ पर हमारे बढ़िया धर्मशाला है, उस धर्मशाला के अंदर जाते ही लंच की व्यवस्था है और फिर हम वहाँ से खाना खाने के बाद हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे, गंगा मैया के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से मनसा देवी जाएंगे और मनसा देवी के बाद वापस अपने धर्मशाला में आके वहाँ खाना खाएंगे और खाना खा के फिर वापसी दिल्ली की तरफ, रात को यहाँ पर दिल्ली में वापसी यहीं पर आके बस रुकेंगे। रात देख रेख के लिए मैंने पहले सोचा था कि भाई वॉलंटियर्स तो पहले से ही तय कर रखे थे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं, हमारी और भी टीम जा रही है, परंतु फिर सबका आग्रह था कि भाई आप ही चले, तो मैं स्वयं भी अपनी माताओं बहनों के साथ जा रहा हूं और हमारे 12-13 कार्यकर्ता हैं, हर बस में 2 कार्यकर्ता की तरह से ड्यूटी है कि भाई इस व्यवस्था को ध्यान से रखे सब माताओं बहनों का, तो तकरीबन हम 10-12 कार्यकर्ता भी साथ जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं।